तो भाई फाइनली मेरे को पता चला है कि स्ट्राइक बहुत दिनों चलने वाली है। ये लंबा चौड़ा इनका भाई हड़ताल का है। और भाई जो लोग माइग्रेशन करवाने के लिए भाई यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे तुरंत मिल जाएगा, गलत सोच रहे हो भाई। देखो कुछ माइग्रेशन हो रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम हो रहे हैं, पर लेकिन लिमिटेशन में, लेकिन होंगे वो अपने टाइम पे ही। ऐसा नहीं है कि वे तुरंत कर देंगे। ऐसा है अगर आपने पूछा था माइग्रेशन के बारे में, तो माइग्रेशन कुछ ऐसे होगा भाई। सबसे पहले आप एक फॉर्म ले लो, किसी दुकान में MDU गेट नंबर 2 पे मिल जाएगा, या फिर किसी वाला 10 रुपये का आएगा। और कुछ लोग ठगेंगे, 30 रुपये बोलेंगे, लेकिन 10 रुपये से ज़्यादा आपको देने नहीं है। और फॉर्म होता है, अपनी ज़रूरी जानकारियाँ उसमें भर दो, जैसे कि मैंने भर दिया था उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैसे कैसे क्या है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लास्ट हमने कब पढ़ाई की थी, कौन से इंस्टीट्यूट से की थी, कहाँ से सी कहाँ थी, सारा का सारा डिटेल में आप भर देना। और आपको क्या करना है, फिर कंप्यूटर की दुकान पे, यानी कि वहाँ पे गेट नंबर 2 पे ही, मतलब ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जहाँ से आपने फॉर्म लिया वही कंप्यूटर भाई से बोल देना कि भाई भाई साहब मेरी फ़ीस भी काट दो, क्योंकि 500 रुपये कट रहे हैं भाई माइग्रेशन के। MDU में 500 रुपये कट रहे हैं। दो तरह से होते हैं, एक तो बाई हैंड और एक होता है बाई पोस्ट। अभी जैसे कि स्ट्राइक चल रही है, तो भाई इनका लगता नहीं है मेरे को ये कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे। तो माइग्रेशन जिसको भाई को बनवाना है, सबसे पहले अपना फॉर्म भर लो, फिर एक ऑनलाइन आपको SBI की ऑफिशियली ऑफिशियली साइट में जाना है, MDU की में, वो अपने आप ही करके दे देगा ताम झाम। यार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ आपको 500 रुपये की फ़ीस कटवानी है, और उसका जो प्रिंट आउट है वो फॉर्म के साथ लगाना है। और एक आपको लास्ट कब आपका जो क्या किया, आपने BA किए है, होटल मैनेजमेंट किया वगैरह वगैरह, जो लास्ट DMC की फ़ोटो कॉपी, ये भाई सारे के सारे अटैच करके और सीधे चले जाओ आप। अशोक है, अशोक एक जाएंगे ना आप VC ऑफिस में, तो अशोक सुपरिटेंडेंट पाएगा ऑफिस, तो वहाँ पे जो कर्मचारी बैठे होंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में इतने ही काम होते हैं, बस थोड़ा काम चलाओगे, इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी का काम नहीं हो रहा वहाँ पे। काम इतना हो रहा है कि आपके फॉर्म जमा हो सकते हैं या फिर कुछ छोटे मोटे काम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखना आप कि आप जब, और मैंने भी बोला था कि मैंने उसको सबमिट करने के बाद मैं बोला सर कब आएगा, भाई सबका सवाल है कि कब आएगा, तो बोला कि बाई पोस्ट भेजेंगे। मैं बोला कितना टाइम लगेगा, पे बोले भाई कि जब ये यूनिवर्सिटी की जो ये बैठेंगे, जब इनका काम खुलेगी, यूनिवर्सिटी खुलेगी, तब जाके आपके बाई पोस्ट आपको ये माइग्रेशन बना के दे देंगे। अब यार यूनिवर्सिटी का पता नहीं है कब खुलेगी, अब उसका वेट करते रहे भाई। बाकियों का प्रेशर आ रहा है लोगों का कि माइग्रेशन लाओ माइग्रेशन लाओ, अब कहाँ से लाए यार, ये तो झंझट हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तब आपके भेजेंगे। अरे यार फिर तो हम खुद ही नहीं आ जाएंगे यूनिवर्सिटी खुलेगी तो भाई, तो बाई पोस्ट का क्या मतलब होया। तो भाई मैं बता दूं कि बाई पोस्ट आपके फ़ीस जो कटने वाली है वो 500 रुपये है, और ये भाई साहब ये कंप्यूटर में बैठे हैं ये एक्स्ट्रा 50 रुपये खाते हैं, ये भाई इनका कुछ वर्क होता है करने का। वैसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 500, लेकिन ये 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं करने के। तो आपको ये प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, आप दो प्रिंट आउट निकलवाना उसको, भैया का बोलना है कि भाई दो प्रिंट आउट निकाल दो, क्योंकि एक हमें देना होता है, एक तो हमें फॉर्म के साथ सबमिट कराना होता है, एक हम सबूत के तौर पर रख लेंगे कि भाई भविष्य में अगर कुछ परेशानियाँ हो तो हम बता देंगे हाँ हमने फीस कटवाई है भाई, देख लो प्रूफ है। और भाई एक मैसेज भी आता है फीस कटवाने के बाद, आप अपना नंबर उसके अंदर पूछेगा वो भाई,
कंप्यूटर वाला भाई पूछेगा कि ये आपका नंबर, तो आपको अपना नंबर भी बताना, उस पर एक मैसेज भी आएगा कि आपने फीस सक्सेसफुली जमा करवा दी है माइग्रेशन के लिए। तो भाई ये था सबका सब, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है क्या करना है क्या नहीं किया है। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पे, कंप्यूटर भाई बैठे होंगे गेट नंबर 2 पे, वहाँ पे जाओ, 10 रुपये का, या फिर वो उनके पास ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि लोगों को उसको उनको ऑलरेडी पता होता है कि भाई माइग्रेशन का फॉर्म चाहिए होता है स्टूडेंट को, तो वो पहले से निकाल के रख लेते हैं। उनको बोलोगे भाई माइग्रेशन का फॉर्म चाहिए, तो वो भर दो। वो लेने के बाद आप भर दो अच्छी तरह से पूरी जानकारी। फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट जो सर्टिफिकेट था DMC की, उसकी फोटोकॉपी, और जो आप फीस कटवाओगे 500 रुपये की, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। और ये सब आप अटैच करके, मतलब स्टेप अच्छी तरह से स्टेप लगा के सब, ये जो एक सेट बन जाएगा, फिर आप वहाँ चले जाओ VC में। VC में आपको अशोक पाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफिस, वहाँ पे VC में, रजिस्ट्रार में। तो भाई साहब वहाँ जमा करवाने के बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये यूनिवर्सिटी खुलने जाए। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस। और मैंने आपको, अगर आपको पता नहीं है कि भाई मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो एक पिछली वीडियो आप देख सकते हो मेरी, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपने कौन सा मोड़ पकड़ना है, कौन सी सड़क पकड़नी है, कौन से दाएं बाएं, सब बता रखा है, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। और भाई कुछ ही लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी पूछा था कि भाई माइग्रेशन के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा, या फिर मैं अपने किसी परिवार वालों को, सदस्य को मैं भेज सकता हूँ बनवाने के लिए। भाई इसके बारे में मैंने पूछा था कि भाई आप आ सकते हो, आपके वहाँ पे कोई साइन वाइन नहीं लगेंगे, सिर्फ जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे साइन लगेगा, बस उसके बाद कुछ नहीं लगना। किसी आप परिवार वालों को भी भेज सकते हो, या फिर आप हो सके तो आप खुद भी आना। ये अगर ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी है कि आप आ नहीं सकते, तो भाई आप अपने परिवार वालों को भेज सकते हो माइग्रेशन के लिए, वहाँ पे कोई शाइन वाइन लगते नहीं है। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि भाई स्ट्राइक कब ख़त्म होगी। भाई मुझे नहीं पता कब स्ट्राइक होगी, ये इनका पंगा है यार, बहुत लंबा चलने वाला है, और मुझे नहीं लगता भाई ये, मैं आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बस मैं कुछ कर बैठ जाऊँगा ना, मैं इमोशनली में चला जाता हूँ फिर मैं फिर। तो भाई साहब ये थी वीडियो, अब अगर आपको यूज़फुल लगी तो भाई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हो। और आ यार आज मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ यार, मेरे हाथ कंधे दुख रहे हैं, कंधे दुख रहे हैं भाई, इतने कंधे मजबूत नहीं है ना, इतने फ़ोन का भार मैं उठा के बैठा हूँ। तो भाई ये थी वीडियो, और जो आपके सवाल थे कि भाई मैं माइग्रेशन के लिए मैं खुद आऊँ या मैं किसी और को भेजता हूँ, तो ये सवाल का जवाब मैंने आपको लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई है। मैं प्रॉपर गया हूँ यहाँ पे, और मेरे पास भाई फॉर्म वॉर्म सारे आएंगे, फ्रीस फूस में कटवा के आया हूँ, मेरा खुद का भी माइग्रेशन था। मैंने एक कॉपी यहाँ भी है SBI की, देख लो यहाँ पे कटवा गया, अपने एक पर्ची अपने पास रख ली सबूत के तौर पर, ताकि ये कभी ना कभी काम आएगी। तो भैया हड़ताल कब ख़त्म होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये खुद ही कर्मचारी बोल रहे हैं कि भाई लंबी चलने वाली है, तो आपके काम रुकेंगे। लगता है कोई भाई यूनिवर्सिटी की कोई बड़ी बड़ी मैडम लग रही है ये। तो भाई मौज करो, मौज तो कहाँ हो गए यार, आप तो परेशान हो गए। तो भाई जो लोग ये भाई दूर दूर से रहते हो, रोहतक से बाहर के बंदे हैं भाई, उनके लिए ये वीडियो भाई काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर देखना। और भाई अगर अच्छी लगे, यूज़फुल लगी है, तो भाई आपको कहने की ज़रूरत नहीं है क्या करना चाहिए। और ये देखो यूनिवर्सिटी में ही हूँ मैं, आप लोगों के कार्य करने आया हूँ मैं, साथ साथ में मैं अपना भी कर गया। तो भाई चलते हैं, लेते हैं अलविदा। और भाई अगर आपके और भी सवाल हैं, तो भाई मैं स्पेशल आपके लिए भाई आ जाऊंगा मैं पूछने के लिए यहाँ पे,
कोई भी अगर आपके सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। मेरा तो काम हो गया ख़त्म, अब तो मेरा वेट करना है कि कब पोस्ट आएगी। यार पोस्ट का पंगा मेरे को बेकार लग रहा है यार। कुछ लोग है कि अटपटे एड्रेस होते हैं जहाँ पे मुश्किल से कोई पोस्ट आती है। मेरा जैसे कि घर, मेरा खुद का घर ऐसा ही है, मेरा ऐसा एड्रेस है कि अटपटा सा, क्योंकि प्रॉपर समझ में नहीं आया कि डाकिया सीधा आ जाए, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, मतलब अटपटा सा है। तो भाई मैंने क्या कर दिया, जो पोस्टल एड्रेस होता है मैंने वहाँ पे एड्रेस में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी चिपका दिया, ताकि भाई थोड़ी उनको आसानी सी हो जाए कि भाई ये पोस्टल एड्रेस के साथ साथ मैंने अपने फ़ोन नंबर भी लिख दिया है भाई, कोई यूज़फुल काम आएगा अगर डाकिया अगर भटक जाए, रास्ता भटक जाए, उनको ना मिले, मेरे माइग्रेशन में कुछ परेशानी ना हो मिलने में देने में, तो इसलिए भाई मैं थोड़ा फ़ोन नंबर भी छोड़ के आ गया वहाँ पे। लो भाई, तो भाई पक्के बिल्कुल काम करके आया हूँ। तो भाई अगर आपके कोई भी सवाल है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा से चक्कर फिर लगा दूँगा। देखो मेरा तो काम हो गया, अभी वेट करना है मुझे मेरे पोस्ट की कि कब मेरा माइग्रेशन मेरे घर तक आएगा। तो भाई टेक केयर, बाय बाय, मौज करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आपके सवाल हो तो भाई कमेंट करके आप जरूर पूछ लेना भाई। और पिछली वीडियो नहीं देखी आपने, मैं कितना इमोशनल था, कितना इमोशनल हो चुका था मैं, आपने पिछली वीडियो देखी? और मैंने बोला भी था यार फिला दो, आपने फिलाई नहीं। ये यूं ही चलती रहेगी भाई साहब, ये यूं ही चलती रहेगी स्ट्राइक, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। कुछ पक्का जवाब चाहिए हमें यार, इनके स्ट्राइक के चक्कर में हम क्यों पिस रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है। ये फिर से चालू हो जाऊंगा मैं, रहने दो यार। चलो भाई टेक केयर।